हे यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल बन हेयर स्टाइल, जिसे आप खुद कैसे इजीली बना सकते हो, इस तरह की माथा पट्टी के साथ कैसे सेट कर सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियो से हमेशा नोटिफाई रहे। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सपना क्रिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बालों में अच्छे से कॉम कर लेना है, मिडिल पार्ट से पार्टीशन करना है। आप चाहे तो हेयर स्टाइल बनाने से पहले बालों में अच्छे से क्रिम्पिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बाल जो भी हेयर स्टाइल बनाएंगे वो बहुत इजीली बनेगा और बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम रहेगा। मैंने हल्का सा बहुत ही लाइट क्रिम्पिंग फ्रंट के बालों में किया हुआ है। उसके बाद फ्रंट से पार्टीशन करने के बाद ईयर से लेके फ्रंट के बालों को, दोनों साइड के बालों को अलग करके उसको पिन लगा के छोड़ देना है। देन क्राउन के पतले से सेक्शन लेना है, उनमें कॉम करके देन बैक कॉम्बिंग करनी है। तो क्राउन के हेयर में बैक कॉम्बिंग करनी है, उसके बाद इसमें हेयर स्प्रे डालना है, तो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा। क्राउन के हेयर में बैक कॉम्बिंग करने के बाद सारे बालों को पीछे के साइड कर लेना है इस तरह से, और कॉम से हल्का सा फिनिशिंग दे देना है, बहुत लाइट कॉम करना है ऊपर से। और इसके बाद एक पोनीटेल बना लेना है, तो हाई पोनीटेल बनाना है, थोड़ा ऊंचे पे ही पोनीटेल टाई करना है। एक रबर बैंड से टाइटली पोनीटेल बना लेना है, देन इस तरह से टेलकॉम की मदद से थोड़ा सा बालों को पुल कर लेना है। उसके बाद उसमें हेयर स्प्रे डाल देना है। देन अब क्या करना है, फ्रंट के बाल जो हमने निकाले थे उसको टू सेक्शन में डिवाइड करना है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। देन फ्रंट के सेक्शन में पिन लगा के छोड़ देना है, एंड बैक वाले सेक्शन को लेना है और पतला पतला बालों का लेयर लेना है, उसमें बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग करने के बाद हेयर स्प्रे डालना है। तो ये ब्राइडल बन हेयर स्टाइल है, जिसे हमें लॉन्ग टाइम तक रखना होता है, इसलिए इतना हेयर स्प्रे यूज हो रहा है। इस तरह बैक कॉम्बिंग करने के बाद नीचे का साइड कर लेना है, देन पतला सा लेयर लेना है, हल्का सा उसे ट्विस्ट करना है, दूसरा लेयर लेना है, उसी में मिला के ट्विस्ट करना है। तो ये प्रोसेस हमें ईयर तक कंटिन्यू करने के बाद लास्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट करके और उसके बाद बैक साइड में ले जाके बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। सेम प्रोसेस से हमें दूसरे साइड भी कर लेना है। तो यहाँ दोनों साइड डन हो गया है। हल्का सा पुल करने के बाद हेयर स्प्रे डाल देना। अब लेना है मांग टीका। मांग टीका को इस तरह से रखना है और मिडिल वाले को इस तरह से पीछे टक कर लेना है, मतलब इसमें लगा लेना है। और उसके बाद साइड साइड के जो है चेन को पीछे से साइड ले जाके इसे बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। अब हम बनाएंगे बन। तो हमें चाहिए हेयर स्टफिंग इस तरह से, और इसमें रबर बैंड लगा है। अगर आपके पास ऐसे नॉर्मल है तो आप उसे भी राउंड वाला ले सकती हैं और उसको पोनीटेल के ऊपर बॉबिन से सिक्योर कर सकती है, पर इसमें रबर बैंड लगा है तो मैंने पोनीटेल में पहले रबर बैंड को टाई किया है, देन पोनीटेल के ऊपर रख के इसे यू पिन से चारों तरफ से सिक्योर कर लिया है बालों के साथ। उसके बाद पोनीटेल के बालों को टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ऊपर के थोड़ा सा सेक्शन लेंगे बालों का और हल्का सा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। और उसको थोड़े से स्पेस छोड़ के एक पतले रबर बैंड से टाई कर लेना है और इसमें फिंगर खेल से थोड़ा सा स्पेस बना के ऊपर के साइड ले जाके और डोनेट को जो हमने हेयर स्टेप लगाया है उसको हाइड करके ऊपर यूपिन से सिक्योर कर लेना है। यूपिन से सिक्योर करने के बाद जो इसके एंड्स बचे हैं उसको टू पार्ट में डिवाइड करके दोनों साइड इस तरह लगा के इसे भी यूपिन से जुड़े के साथ सिक्योर कर लेना है। अब बचा हुआ जो पोनीटेल के हेयर है उनको क्या करना है, पतला लेयर लेना है और पतला लेयर लेके हल्का सा बैक कॉम्बिंग करना है, उसमें हेयर स्प्रे डालना है, देन उसको टू पार्ट में डिवाइड करके एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा सा फिंगर के हेल्प से स्टिच करना है, देन ऊपर के साइड ले जाके इस तरह जूड़े के ऊपर के साइड ले जाके उसे यू पिन से सिक्योर कर लेना है। तो पूरा जूड़ा इसी तरह से रैप करना है। तो फिर से जो बचे हुए पोनीटेल के हेयर लें थोड़ा सा सेक्शन लेना है, उसमें बैक कॉम्बिंग करके थोड़ा हेयर स्प्रे डालना है, उसको टू पार्ट में डिवाइड करना है और एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करना है। तो ऐसे पूरे हेयर में कर लेना है। आप चाहे तो इसकी जगह आप बहुत लूज वाला ब्रेड भी बना सकते हैं, चोटी भी बना सकते हैं और इसको ऊपर ले जाकर ट्विस्ट करना है। तो सारे बालों में हमने ट्विस्ट करके इस तरह से ऊपर यूपिन से सिक्योर कर लिया है, देन हेयर स्प्रे डाल दिया है।
ताकि एज इट इज बना रहे। उसके बाद ऊपर जो भी पार्ट बचे थे उनको टू पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा सा ट्विस्ट करके बन में जुड़े में रैप कर लिया है ऊपर के साइड से, और इसे यू पिन से सिक्योर कर लिया है। तो जुड़े को अच्छे से यू पिन से सिक्योर कर लेना है। अब फ्रंट में आना है, तो फ्रंट में जो छोटे से बाल बचे हैं उनमें मैं छोटा छोटा पार्ट लेके और उसको बैक कॉम्बिंग करके हेयर स्प्रे डाल रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल नॉर्मल भी ऐसे कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं ये वाला प्रोसेस करने का, क्योंकि आगे हमने ये माता पट्टी लगाया है तो बहुत ज़्यादा अगर हम ऊंचा बनाएंगे तो माता पट्टी हमारी छुप जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा सेक्शन लेके ट्विस्ट करके और उसमें अदर सेक्शन मिलाते हुए जाना है और ट्विस्ट करते हुए जाना है, लास्ट तक ऐसे कर लेना है। देन बैक साइड में ट्विस्ट करके जूड़े में यू पिन के साथ सिक्योर कर लेना और बचे हुए पार्ट को जूड़े में रैप करके यू पिन से सिक्योर कर लेना है। तो दूसरी साइड भी हमें सेम प्रोसेस से कर लेना है। दोनों साइड डन हो गया है, हेयर स्प्रे डाल के इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है ताकि हमारा जुड़ा एज इट इज बना रहे। और अब इसमें हम इसे गजरे से डेकोरेट करेंगे जुड़े को। आप किसी और हेयर एक्सेसरीज से भी डेकोरेट कर सकती हैं, पर ब्राइडल जुड़ा में रियल गजरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए मैं गजरे से डेकोरेट कर रही हूँ। आपकी मर्जी, आप किसी और चीज़ से भी अच्छे से डेकोरेट कर। थोड़ा गजरा हैवी होना चाहिए, यहाँ मेरे पास बहुत सारा गजरा नहीं था, जितना था मैंने उसी से डेकोरेट कर लिया है और रैप करके यू पिन से सिक्योर कर लिया। आगे जो थोड़े बहुत साइड में ईयर के पास थोड़े बहुत हेयर है उनको कलर से कर्ल कर लूँगी, सॉफ्ट कर्ल कर लूँगी और दोनों साइड के हेयर में इस तरह करके इसमें हेयर स्प्रे डाल दूँगी। तो अभी जुड़ा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रंट से कुछ इस तरह से दिख रहा है और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो खुद से बनाने में बैक में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से बनाने की। तो फ्रंट में इस तरह से चुन्नी लगा के आप इसमें हेयर पिन लगा सकती हैं। तो ये है मेरे बन का फिनिश फाइनल लुक। कैसा लग रहा आप लोग को बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से मैंने ये बन हेयर स्टाइल बनाया है और ये मेकअप किया है। अगर इस मेकअप की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।